पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड में शामिल छठा शूटर दीपक मुंडे जब गिरफ्तार हुआ तो एक नया खुलासा हुआ कि सलमान खान को मारने की योजना लॉरेंस बिश्नोई गैंग बना रहा था। और अगर दीपक मुंडे अपने दो साथियों के साथ नहीं पकड़ा जाता तो शायद सलमान खान को मारने की जो योजना ये लोग बना रहे थे उसमें कहीं ना कहीं ये कामयाब हो सकते थे। लेकिन सही समय पर इनकी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद ये खुलासा सामने हुआ। इस खुलासे के बाद सलमान खान के घर का क्या हाल है, सलमान खान का क्या कहना है, मुंबई पुलिस का क्या कहना है, मुंबई पुलिस अब सलमान खान की सिक्योरिटी को लेकर क्या रणनीति बना रही है, सब कुछ आपको बताएंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध और अपराधियों की कहानी। तो आज के इस वीडियो में हम दीपक मुंडी के साथ जो दो बदमाश गिरफ्तार हुए हैं, वो जो सलमान खान को मारने की कोशिशें कर रहे थे, इस कोशिश के बाद अब मुंबई पुलिस क्या कर रही है, उन सब बातों को आपसे बताने वाले हैं। दरअसल सलमान खान के बारे में जैसे ये खबर आई कि सलमान खान को मारने की लॉरेंस बिश्नोई गैंग योजना बना रहा था, उसके बाद सलमान खान के घर की मुंबई पुलिस एक बार जाके फिर से तहकीकात की है कि सलमान खान के घर की सुरक्षा कैसी है और उनकी सुरक्षा को और भी मजबूत करने की बातें चल रही हैं। सलमान खान के बारे में कहा जा रहा है कि सलमान खान की सुरक्षा तभी से और ज़्यादा मजबूत कर दी गई थी जब पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी, और सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद सलमान खान ने रिवॉल्वर के लिए लाइसेंस का अप्लाई किया था और लाइसेंस भी उन्हें मिल गया, उन्होंने रिवॉल्वर भी खरीद लिया है। मुंबई पुलिस का कहना है कि सलमान खान की सुरक्षा में जो मौजूद सुरक्षाकर्मी हैं वो काफ़ी हाईटेक हैं और वो पत्ता हिलने से पहले पेड़ काट डालते हैं। यानी कि हिंदी फिल्मों में आपने एक कहावत सुनी होगी कि हमारा कमांडो पत्ता हिलने से पहले पेड़ काट डालता है, तो कुछ इस तरह की सिक्योरिटी सलमान खान के पास है और यही वजह है कि सलमान खान को मारने की कोशिश लॉरेंस बिश्नोई कई सालों से कर रहा है, लेकिन सलमान खान अभी भी लॉरेंस बिश्नोई को मुंहतोड़ जवाब देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में मुंबई पुलिस अब एक और तैयारी कर रही है, मुंबई पुलिस पंजाब आने की सोच रही है और पंजाब में आके उस शूटर दीपक मुंडी, कपिल पंडित और राजेंद्र जोकर से भी पूछताछ करने की तैयारी कर रही है, क्योंकि सलमान खान एक ऐसे नाम है कि सलमान खान को अगर ये लोग मारने में कामयाब हो जाते हैं दुर्भाग्यवश, तो शायद उस समय देश का कुछ अलग ही माहौल होता। हम तो कतई नहीं चाहेंगे कि यह गैंगस्टर इस तरह की वारदातों को अंजाम दें। पुलिस बहुत ही सही समय पर इनकी गिरफ्तारी करके एक बड़े घटना को घटित होने से बचा लिया। इसमें नेपाल पुलिस या फिर दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस या फिर जितने भी लोग इस ऑपरेशन में शामिल थे वो सब बधाई के पात्र हैं कि ऐसे गैंगस्टरों को पकड़ने के लिए, एक देश में एक और सुपरस्टार को बचाने के लिए उनका हर कोई आभार व्यक्त करता है। जो लोग सलमान खान के फैन हैं या फिर ऐसे अपराधियों को चाहते हैं कि वो जेल के अंदर रहें। फिलहाल अब देखना अहम होगा कि मुंबई पुलिस जब पंजाब आती है दीपक मुंडी के साथ गिरफ्तार दोनों शूटरों से पूछताछ करती है, उसके बाद और क्या कुछ इस मामले में जानकारी निकल कर सामने आती है। तो बस बने रहिए आप BDF न्यूज़ के साथ, इस पूरे मामले में, इस केस से जुड़े हर अपडेट के लिए हम आपको पल पल की रिपोर्ट देते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप लोग अपने जवाब, अपने सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। कुछ लोग हमें गालियों से संबोधित करते हैं तो उनको भी हम हमेशा कहते हैं कि इस तरह की अगर आप भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो भी हम एडजस्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आप अपना प्यार बनाए रखिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।